तो आप उसकी टेंशन को कर मिटा दोगे। तो पहली बात तो यह है, इसमें जेपी भाई और बाकी साथी जितने भी हैं वो समझो कि हम किसी का भी कर्जा माफ नहीं करवाने वाले हैं, ना माफ करांदे, हम कर्जा अदायगी करवाएंगे, कर्जा अदा होएगा, मतलब क्योंकि देश मतलब चुकता करेंगे। अच्छा। सारा लोन चुकता करके सेटलमेंट नहीं करेंगे, एनओसी लेंगे, अपनी जमीन छुड़वाएंगे। सेटलमेंट में तो क्या होता है, सेटलमेंट पड़ हो जाया करे, यहाँ पे हम लोग चुकता करेंगे। बैंकों ने समाज के साथ, लोगों के साथ क्या फ्रॉड किया है, इसकी जो सच्चाई है वो बाहर आ गई है। हमने आरबीआई के अंदर कुछ पूछा था, जब आरबीआई ने बताया तो मारे तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हमने आरबीआई तो पूछा, अब इसको ये जो है ना दुनिया में और किसी को पूछोगे ना आप, तो उन्हें पूछा यो के है, ये 100 रुपये है। कुछ लोग ने कहा 100 रुपये है, ये 100 रुपये नहीं है भाई, ये 100 रुपये का नोट है, मतलब 100 रुपये की पर्ची। और इसमें गवर्नर ने लिख के दे रखा कि भाई मैं धारक को, यानी जिस पे भी आप पर्ची है उसको 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो हमने गवर्नर तय, आरबीआई के गवर्नर तय, ये पूछा गवर्नर ने, मैं जितने का भी नोट हो है, जितने का भी नोट हो यो रहा, यो देखो मैं धारक को अपने नोट पे ठा के देख लो सारे के सारे, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। हाँ ठीक है, अब ये 100 रुपये तो हमने सरकार से पूछा, भाई तुम 100 रुपये जाइए, 100 रुपये होंगे तो ये 100 रुपये होंगे, पर जब धारक को 100 रुपये देने का, इसका मतलब है ये 100 रुपये का पर्ची है, जो अगर आप आड़ती पता नहीं लिया करा 100 लीटर डीजल की पर्ची ले आए, तो जिस पे भी आप पर्ची होगी अपना डीजल लीटर ले लो, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हमने आरबीआई से पूछा भाई ये 100 रुपये के है जिसने तुम 100 रुपये देने का, 100 रुपये देने का वचन दे हो। तो तब आरबीआई ने अपने को जवाब दिया कि 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना, 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना। और इसके बारे में हमारे जो साथी हैं अभी कुछ दिनों के बाद वो इसकी पूरी पोल पट्टी खोलेंगे देश के अंदर, जिस दिन 1 लाख लोग समझे हुए हमारे पास हो गए पूरे देश में, उस दिन हम ये पूरी सच्चाई दुनिया के सामने बड़े प्लेटफॉर्म से लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, लोगों को सिर्फ बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ हो रहा है फ्रॉड। फ्रॉड कैसे हो रहा है ये समझो, यू 1 रुपया है जो 2008 में बना था, ये 1 रुपया है जो 1942 का है, यो 1 रुपया है जो 1891 का है, अब ये 3 रुपये हैं। अगर इन 3 रुपया ने, यो कागज का रुपया, अगर मैं इन 3 रुपयों को लेके जाता हूँ बैंक में, मतलब क्योंकि चक्कर क्या हुआ, जस्टिस ए.के. पंथा और योगेश्वर सिंह की एक खंडपीठ थी, जो खंडपीठ पे एक बेंच के पास हमारे साथी ने ले जा करके वहाँ उनकी टेबल पर रख दिया, उनके वहाँ डेस्क के ऊपर, कि जी साहब न्यू बता दो इनमें असली रुपया कौन सा है, क्योंकि रुपया कभी चलन से बाहर हुआ नहीं, नोट बाहर हुए हैं, 50 का 100 का 500 का 1000 का नोट चलन से बाहर हो गए, वो लीगल टेंडर नहीं रहे, लेकिन रुपया कभी चलन से बाहर नहीं हुआ, तो रुपये की कीमत तो रुपये की कीमत रहेगी। तो हमने पूछा जी इनमें असली रुपया बता दो कौन सा है, क्योंकि इस रुपये में और इस रुपये में इनमें तो एक कप जो है चाय भी नहीं मिलती, और यो जो रुपया है यो जो 1891 वाला, इसमें मिल जाए हमने 1 क्विंटल तूड़ी है, इसमें मिल जाए हमने मतलब दूसरे माध्यम क्विंटल तूड़ी। तो इव जो योगेश्वर सिंह पंथार हुए कहने लगे, जो ए.के. पंथार है भाई, ये तो दूसरा साथी था जो खड़ा है, वो बोला ये तो चांदी का रुपया है, बोला चांदी सोने का नहीं, अगर रुपया तो रुपया ही होता होगा, जो कर किलो है, 1 किलो बट्टा मतलब लकड़ी का हो चाहे पत्थर का हो चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, 1 किलो तो 1 किलो है ना बराबर में, तो रुपया है। तो फिर कहने लगा ना भाई तो चांदी का है, चलो अच्छा एक काम कर ले फिर इन्हें बैंक में ले जा। बैंक में ले गए, बैंक में ले जाके बैंक वाले तो कह दिया भाई इन्हें जमा कर ले, बैंक ने जमा कराया 4 रुपया में, वो बोले 4 रुपये हैं। अच्छा मखाई, इसका मतलब जे 4 रुपये जमा कर लिए, जब उल्टे लेवांगे तो ये 4 रुपये मिलेंगे, बोला ना इसने तो रख लेगा, इसने भी रख लेगा, इसने देवेंगे थरता है। अच्छा इसका मतलब ये होया कि जो ये चांदी वाला रुपया है और जो ये लोहे वाला है, इन दोनों की कीमत बराबर है, तो या तो इसकी कीमत इसके बराबर होनी चाहिए या इसकी कीमत इसके बराबर होनी चाहिए। तो हमने सरकार से पूछ लिया स्टैंडर्ड क्या है रुपये का, रुपये के स्टैंडर्ड के बारे में बताओ। तो रुपये का जो स्टैंडर्ड बताया सरकार ने, उसको जान करके तो सबकी आंखें जो है खुली की खुली रहेगी कि 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना, 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना। हम मारे तो यूं होगा मोत्री के
तो इसका मतलब ये हो गया आज के टाइम पे 777 मिलीग्राम सोने में आज जो ये कागज जो टुकड़े दे रखे हैं, ये जो टुकड़े क्यों कह रहा हूं मैं आपको, ये टुकड़े कागज के टुकड़े हैं, ये रुपया नहीं है भाई साहब, ये करेंसी नहीं है, ये कागज के टुकड़े हैं। असली करेंसी होया करती वाज, जो आपने अगर नोटिस करा हो 1968 से पहले एक नोट आया करता, जो हमारे पास वो नोट पड़ा हुआ है और उसकी फोटो हमने खींच कर रखी हुई है, क्योंकि बार बार खोलने निकालने तो टूट जाए फट जाओ, जिसने चाहिए तो हम लाइव भी दिखा देंगे। यो 10 का नोट आपने देखा होगा पहले कभी अपने पास ना, ये 10 का नोट ना, इस 10 के नोट की खासियत क्या है, इसको आप दोबारा से बैक जाके देख लियो इन्हें रोक के, ताकि आपको पता चल जाए इस 10 के नोट की खासियत क्या है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, इसमें ऑन डिमांड लिखा हुआ है द सम ऑफ 10 रुपीज, और नीचे लिखा हुआ है एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। मतलब क्या है, जैसे इस नोट पे लिखा है ऑन डिमांड नहीं है और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जय हम भाई इसके बदले में अपने को गवर्नर 100 रुपये देवेगा, इसके बदले में 100 रुपये देगा, कहाँ देगा, कड़े जाके लेवा और कौन लेवेगा और कद ले सका, हाँ उस नोट पे लिख रहा था कदे भी ले और एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, यानी किसी भी बैंक में जाके ले लो ऑफिस ऑफ इश्यू मतलब बैंक। तो फिर मारा न्यू होया कि भाई इन्हें यो एफिडेविट क्यों चेंज कर दिया, आप तो वकील साहब हो जेपी भाई, एफिडेविट बदल सको क्या आप अपना, किसी और का बदल सको हो, हमने सरकार से पूछा एफिडेविट बदल सका, हाँ और जो गवर्नर का एफिडेविट बदला इसका क्या होगा, आजीवन कारावास, जो कोई गलत नोट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या होगा, आजीवन कारावास। तो फिर इसका मतलब तो जो ये बैंक कर रहे हैं देश के लोगों के साथ ये तो फ्रॉड है। हाँ हमने बैंक भी आपके सामने, हाँ तो हमने बैंकों को हमने क्या करा, बैंकों को वो दिया एप्लीकेशन लिखी हमने, भाई मान वैध रुपए के दस्तावेज दे दो, ये तो अवैध रुपया है क्योंकि आपने एफिडेविट चेंज कर दिया, तो हमको वैध रुपया दो, लीगल रुपया कितना है क्या है। तो जब बैंकों ने उसका जवाब दिया हमारे पे तो जवाब नहीं, फिर हमने आरबीआई को लिखा, आरबीआई के आर्काइव में, एक दिल्ली में है एक पुणे में है, मैं भी गया हूँ पुणे के आर्काइव में, जब वहाँ आरबीआई की आर्काइव में जाकर जब हमने दस्तावेज खंगाले तो वहां से निकल के आया कि 1 रुपये की वाकई में वैल्यू 777 मिलीग्राम है अभी भी आधिकारिक और कानूनी रूप से। फिर हमने बैंकों से हिसाब लेना शुरू करा, जय किसी का 5 रुपये का लोन है तो वो 1 वैध रुपये में उतारा जा सकता है, समझ लेना इसको, वैध रुपये में, क्योंकि ये तो अवैध है रुपया। तो हमने जब बैंकों के खिलाफ FIR करानी शुरू करी तो बैंकों में भगदड़ मच गई कि ये तो 5,000 रुपये का लोन 1 रुपये में उतरा है, 50,000 का लोन 10 रुपये में उतरा है और 5,00,000 का लोन 100 रुपये में उतरा है आज के टाइम पे, आज के सोने की वैल्यू के हिसाब से। तो फिर बार समझ में आई कि बैंक तो जो है लाखों करोड़ों रुपया जो है देश के लोगों का डकार गए, सारा सोना लूट लिया, सारी जमीनें लूट ली, हैं फिर भी विदेश भाग रहे हैं। हाँ तो भाग, वो लोग भाग रहे ना, परेशान वो अमीर लोग भाग रहे हैं, वो रुपए कर्जे में दबके नहीं भाग रहे, वो अपनी ऐश परस्ती में मौज मस्ती में भाग रहे, उनको भगाया जा रहा है, अपने देश का रुपया बाहर भेजा जा रहा है जानबूझकर। क्योंकि अभी भी आपको शायद पता नहीं है आरबीआई प्राइवेट कंपनी है और आरबीआई इस टाइम भी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसके अंतर्गत काम करने वाली प्राइवेट संस्था है और वो इजरायलियों की है, उन इजरायलियों की जिन्होंने गांव के अंदर निर्मल सरोवर के नाम के बोर्ड लगाए हैं, उन इजरायलियों के जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत गांव में घुस करके सारी जमीनों को कब्जा करने वाले हैं। यानी अब उन इजरायलियों को अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं भेजनी है इंडिया में, यहां अपने देश में ही गद्दार हैं जो नेता बने बैठे हैं, उनकी मदद से अब देश के लोगों की जमीनें हथियाने का खेल चल पड़ा है, कानून बदल के नए नए कानून ला के ये खेल चालू हो रहा है। तो अभी हमने एक मुहिम शुरू करी है कि जिस भी भाई का इतना लोन हो गया और उस पर चुकता ना हो रहा और सारे रास्ते बंद हो लियो, ना कोर्ट सुनता, ना BRT सुनता, ना कोई बैंक सुनता, ना मैनेजर सुनता और कोई नहीं सुनता, और वही बैंक का नोटिस आ लिया हो भाई तेरी जमीन महीने भीतर कुड़की होने वाली है, तेरा मकान कुड़की होने वाला है। अपने अपने जिले के जो हमारे जनता सरकार मोर्चा के साथी है उससे मिल लो, वो आपको कागज के दस्तावेज दे देगा, उस पर फोन कर लो, या तो करनाल जिले का फोन नंबर बताइए, करनाल जिले का भाई 98 96 98 98 24 28 98 96 98 24 28 नाम वीर सिंह नाम है भाई, ये नंबर जारी कर दिया है, फोन की बजाय व्हाट्सएप करियो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और व्हाट्सएप भी कुछ नहीं करना ना, अपनी मजबूरी बताने की जरूरत,
ना अपना कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत, सिर्फ दो चीज भेजनी है आपने, जो लोन लिया था उस लोन अकाउंट की स्टेटमेंट पीडीएफ, पीडीएफ बना के भेजियो भाई, आगे टेंडे फोटो खींच के भेजोगे तो कोई जवाब नहीं आएगा आपके पास, पीडीएफ बना के भेजो साफ सी लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और बैंक का नोटिस, बस ये दो चीज व्हाट्सएप कर दो, आपके कागज तैयार करके हम दे देंगे, जमीन नीलाम होने दें दे एक इंच भी, किसी के भी घर ने बेघर, किसी ने भी बेघर नहीं होने दें दे, और सारा लोन चुकता करेंगे आप। देखो एक और चीज दिखाऊं आप, तो ये नंबर जारी कर दिया है, पीडीएफ बना कर ना वो भेज दे और उसके बाद डॉक्यूमेंट भेज दे, उसकी टेंशन मुक्त कर देंगे। अरे भाई बस उसको मतलब इस तरह से रास्ता बताएंगे कि बैंक तुमने तंग नहीं करेगा और नीलामी होने से रुक जाएगा। हमारा कागज जिस दिन बैंक के पास चला जाता है ना, बैंक का कोई कर्मचारी ना आपके घर आएगा ना आपके पास फोन करेगा, और महीने दो महीने तक अगर उन्होंने हमारी आरटीआई और आवेदन का जवाब ना दिया तो बैंक के मैनेजर के खिलाफ एफआईआर हम करावांगे। सुन रहे हो किसानों, ये कह रहा है कि हमें अगर मारे से मिल लेगा जो टेंशन हो रहा है जिस किसान ने, अरे एक और बात है, वो किसान के करना तो बैंक वाला जाएगा और नीलामी रुक जाएगी और टेंशन मुक्त हो जाएगा, फिर अगली कार्रवाई फिर जो ये कई लोगों को ना इन्होंने वो दिए थे, ये क्या बोलते हैं उनको, पोली हाउस बनाने के नाम पे बहुत लूटे लोग किसानों को ना, लोन जो करो ने गए, मतलब उनकी पूरी सारी जमीन कब्बू करने का खेल चल रहा है, जितने पोली हाउस वाले हैं, चाहे 5 करोड़ का हो चाहे 50 करोड़ का लोन हो, किसी भी सेलर वाले का हो, किसी फैक्ट्री वाले का कुछ हो, आ जाओ मार दो राम करेंगे चुकता भाई, जनता सरकार मोर्चा वाले चुकता करेंगे सारा। और किसान का अगला समाधान भी भाई, हम केवल लोन पे नहीं बैठे, लोन चुकता हो जाएगा, हमारा टारगेट है खेती में तो जहर खत्म करना, पहला लोन खत्म और फिर जहर खत्म, पहला लोन खत्म फिर जहर खत्म। हाँ, और ये मैं बता रहा टारगेट ही किसानों के तहत या टेंशन मुक्त करने वाली लाइव चला करके आकर्षण उपल के उसमें रिहा करो के तहत यहाँ पर क्रांतिकारी टीम से बातचीत की है, और भाई यार देख लेना, सुन लेना, कर लेना, टेंशन मुक्त हो जाना, और जी जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमारा।